जो साधक होगा वो तो दूसरे गुणगान करें तो भी बचना चाहेगा, वो भावना ये करेगा कि जी ये मेरा नाम ना लें तो अच्छा है, उसको बड़ी अंदर से ना अनकंफर्ट हो जाता है वो, उसके ज्यादा कोई बड़ाई करे तो ये खुद पता लगता है व्यक्ति को कि ऐसा सुन के मेरे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है। क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं ना हमारे मन में, तो उसमें खुद ही अपना जज बनना पड़ेगा व्यक्ति को। व्यक्ति अपना जज नहीं होता है, जज तो दूसरों का होता है, अपना वकील होता है। मालूम है ना वकील और जज में क्या अंतर है? जज तो जजमेंट देता है और वकील बहस करता है। तो जब अपने बारे में कोई चर्चा आए तो हम क्या करते हैं? बहस करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, मैंने ऐसा इसलिए किया, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने आप को बचाना चाहता है। और जब दूसरे से त्रुटि हो तो सीधा निर्णय देता है फिर, और इसने ऐसे किया, ये गुरुकुल में नहीं रहना चाहिए, अब बाहर निकालो इसको, सीधा निर्णय। अपने आप को निर्णय नहीं, बोल तूने ऐसे किया तो आज से खाना बंद, अपने वाला बंद नहीं करता, दूसरे का तुरंत करता है। और जो साधक होगा तो वो अपना तो डबल करेगा और दूसरे का हो सकता है कभी करुणा भी कर दे कि चलो अब छोड़ो इसको। तो इसको पढ़ते जाओ एक बार, और फिर इसमें से सारा दानम षटपदवत सार सार को ले लो, जो आपके जीवन के उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए आपको जो जमे जो गमे उसको ले लेना। गुजराती है यहाँ? गुजरात से आया हुआ है कोई भाई बहन? कोई नहीं है। तो गुजरात में ऐसे बोलते हैं ना, ए माने गमे छे, तो गमे तो ले लेना। चलिए आगे चलो ना। तो 17 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे हम। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दश ग्रीव वधोद्यता अप्रमेय बलावीरा विक्रांतः कामरूपिणः ते गजा चल संकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ऋक्षवान अगोपुच्छा क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक् गोलालुङ्गलेषु चोत्पन्ना किञ्चित् उन्नत विक्रमाः। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बुद्धिमान बलवान अपि, तो सभी वानरों में जो मुख्य सबसे बुद्धिमान और बलवान थे ते सृष्टा, ऐसे उनको उन्होंने सृजन किया देवों ने। बहु साहस्रा, एक दो थोड़े, ये तो कुछ बताए हैं, हजारों 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 उन वानर जातियों में पैदा हो गए। किस लिए पैदा हुए? दशग्रीव वध उद्यता, रावण का वध करने के लिए जो उद्यत थे, तैयार थे, तो रावण को मारने के लिए हजारों हजारों की संख्या में पैदा हुए। तो वो दिखते नहीं है ना, जब कोई क्रांति होती है। अब भगत सिंह ने एक बार आह्वान किया तो कितने लोग कहाँ कहाँ पैदा हो रहे थे, सब आ गए। तो ऐसे कोई महापुरुष आता है और वो एक बार आह्वान करता है तो उसके साथ खड़े होने के लिए जो जो धरती के जिस जिस कोने पे थे, अब वो पैदा हुए तो पता भी नहीं था कि ये किस काम के लिए पैदा हुआ, और वो वहां से आ जाते हैं उस आह्वान को सुन के। तो ये कौन काम करता है? ये संस्कार ही तो काम करते हैं कि जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो अपने आप आ जाएगा। जब आप लोगों ने स्कूल में जाना शुरू किया था, पढ़ाई शुरू की थी या दसवीं की परीक्षा दी थी, तब थोड़े ना पता था कि अगला जीवन सन्यासी और ब्रह्मचारी की उसमें बीतेगा। तब तो और दूसरे, आपको तो पता भी नहीं था, लेकिन कोई और शक्ति भी तो पीछे से काम कर रही है ना। तो उन्होंने जिस प्रयोजन के लिए बनाया है उधर लेके जाती है आपको, चले जाते हैं आप फिर।
तो ऐसे ही ये सब हजारों हजारों की संख्या में पैदा हुए। दशग्रीव वध उद्यताः, अप्रमेय बला वीरा, वो सारे वीर कैसे थे? अप्रमेय बल वाले, उनका बल मापा नहीं जा सकता, ऐसे पराक्रमी थे। विक्रांता कामरूपिणः, और वो बहुत विशेष क्रांति करने वाले थे, विक्रांत पराक्रमी, और कामरूपेण है इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेने वाले। तो इच्छा अनुसार पांच चार रूप धारण करने वाले तो सभी हैं। जब इच्छा होती है कि अब योद्धा बनूं तो योद्धा का रूप धारण कर लेते हैं, कहीं कोई देश धर्म पे कोई ऐसी आपत्ति आए तो रूप बदल जाते हैं ना, फिर तो भारत माता की जय के नारे लगते हैं जोर जोर से। और जब कोई प्रसंग आता है किसी ऐसे आत्मवेत्ता ऋषि के पास बैठे हैं तो एकदम कूल डाउन हो जाता है मन, फिर तो वो दूसरा रूप हो जाता है। कहीं कोई सेवा करनी है तो व्यक्ति अपने आप को आगे लाता है कि सबसे पहले मैं करूंगा। सेवा में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और खास करके आप लोगों को, क्योंकि आप दर्शन पढ़ते हैं, तो दर्शन आप जो कह रहे हैं ना बोल जी, यहाँ तो पढ़ाया पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है। तो प्रैक्टिकल तो आपको करना है। जहाँ कहीं गुरुकुल में सेवा का अवसर आए, कहीं सफाई करनी है, कभी रोटी बनानी है, कभी खेत में कुछ काम करना है, तो सबसे पहले कौन होने चाहिए? दर्शन वर्ग वाले। क्यों? सेवा किसके लिए है? आत्मशुद्धि के लिए है। तो वहां आप सबसे नंबर वन रहो आप, क्योंकि आपको आत्मशुद्धि करनी है, वरना तो ये शब्द ही रह जाएंगे फिर आपके लिए। तो दर्शन का तो दर्शन खुद ही करना पड़ेगा ना। तो सेवा में सबसे आगे, दिनचर्या में सबसे आगे। अभी दिनचर्या वाला रजिस्टर तो मैंने पूछा नहीं है, पूछने वाली हूँ, कल ले आना जिन जिन के पास जो मॉनिटर हैं। तो ऐसा क्यों करेगा भला आदमी? क्योंकि उसको अपने लक्ष्य का पता है कि मैं इसमें सबसे आगे रहूंगा, तो ऐसे ही छोटे छोटे काम करते करते ही तो मेरा बड़ा व्यक्तित्व बनेगा। और ऐसे महाराज जी अपने अनुभव बताते हैं, गुरुकुल में पढ़ते समय कैसे रहते थे वो, हर काम में नंबर वन। तो उन्होंने तो सब बच्चों को ऐसे पाड़ा सा ही रटा दिया था, सेवा में हमें बनना है नंबर वन, पढ़ाई में नंबर वन, लड़ाई में कुछ कह रहे हैं नंबर टू। टू भी नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, लड़ाई करनी नहीं है। तो ये सारे के सारे व्यक्ति कैसे हैं जो पैदा हुए इस विशेष उद्देश्य के लिए? अप्रमेय बला, विक्रांता, कामरूपेण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले। ते गजाचल संकाशा, गजराज जैसे था, लंबे तगड़े हाथी जैसे। वपुष्मन्तो महाबला, ऐसे शरीरों वाले थे वो, महान बलवान, महाकाय। गजाचल संकाशा वपुष्मन्त, वपुष कहते हैं शरीर को, गजाचल कहते हैं गजराज हाथी, संकाशा माने समान, तो हाथी के समान शरीरों वाले महाबलाहा, महान बलशाली थे वो सब। ऋक्षवान् नगोर्पुच्छ क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः। और कह रहे हैं ऋक्षवान, रीच, वानर, और वानर गोपुच्छः, गो के समान पूंछ है जिनकी, लंगूर, उनकी पूंछ लंबी होती है, वानर की थोड़ी छोटी होती है। तो गोपुच्छः क्षिप्रमेव अभिजज्ञिरे, तो इनको देवताओं ने शीघ्र उत्पन्न कर दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो उन्होंने अपने अपने समान उनको पैदा कर दिया, ऋक्षवानर आदि को। ये सारी जातियां हैं, इनको आप भालू बंदर ऐसे नहीं समझना, मंकी नहीं समझना, वानर जाति है मनुष्य ये। तो यस्य देवस्य यद रूपम, जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी जिसकी शक्तियां थी, वेशो यश्च पराक्रमे, जैसा जिसका वेश था, जैसा जिसका पराक्रम था, वैसे वैसे उन्होंने अजायत समम तेन, उस उसके समान अपने
रूप और अपने पराक्रम के समान, तस्य तस्य पृथक पृथक, वैसा वैसा उन्होंने अलग अलग से रचना कर दी। गोलांगुलेशु, लंगूर को ही कहते हैं, गोलांगुलेशु च उत्पन्ना, लंगूर को भी उत्पन्न कर दिया। किंचित उन्नत विक्रमा, ये इनसे रीछ और वानर से भी कुछ उन्नत थे पराक्रम में। लंगूर की शक्ति उससे भी ज्यादा होती है वानर से भी। ऋक्षेषु च तथा जाता वानता किन्नरीषु च देवा महर्षि गंधर्वास्तार्क्ष यक्षा यशस्विनः नागा किं पुरुषाश्चैव सिद्ध विद्याधरो रगः बहवो जनयामासोर हृष्टास्तत्र सहस्रशः चारणाश्च सुतान वीरान सस्रजुर्वनचारिणः वानरान सो महाकायान सर्वान वैवनचारिणः अप्सरसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनुषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणः सिंहशार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिनः नखदंष्ट्रायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदाः विचालयेयु शैलेन्द्रान भेदयेयु स्थिरान द्रुमान क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयु क्षितिं पद्भ्यां आप्लवेयुर्महार्णवान्। ऋक्षिषु च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च, तो ये जो ऋक्षिणी माने जो जो महिलाएं थी उस जाति की, और कुछ किन्नरी, उन सब के गर्भ से ये पैदा हुए। देवा महर्षि गंधर्वाह तार्क्ष गरुड़ादि, तार्क्ष यक्षा यशस्विन, ये सब पैदा हुए देव महर्षि गंधर्व तार्क्ष यक्ष नागा किम पुरुष, नागा किम पुरुषाश्चैव सिद्ध विद्याधर उर्गाह नाग बहवो जनयामासु, तो ऐसे ये बहुत सारे पैदा हुए उत्पन्न किए। बहवो जनयामासु हृष्टास्तत्र सहस्रशः, हृष्टा हर्ष में भर करके देवताओं ने ऐसे हजारों हजारों ऐसे योद्धाओं को पैदा किया, सहस्र से हजारों हजारों। चारणाश्च सुतान वीरान सस्रिजु, और चारणों को सुतान वीरान ऐसे चारण कहते हैं सेवा करने वालों को ही, तो ऐसे चारण बहुत सारे वीरों को पैदा किया। सस्रिजु उत्पन्न किया वनचारिण जो वन में रहते हैं, इनको तो यक्षिशु और किन्नरीशु ऐसे ऐसे उनमें पैदा किया, और कुछ जंगल में ही पैदा कर दिए। वनचारिण वन में विचरण करने वाले, मतलब वनों में रहने वाली जो जनजातियां हैं वहां पैदा किया। वानरान सु महाकायान सर्वान वही वनचारिण, तो वानरों को और उनका जो बहुत डील डोल महान काया वाला था, ऐसे उन सब वनचारियों को वन में रहने वालों को विचरण करने वालों को पैदा किया। अप्सरसु च मुख्यासु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च, तो अप्सराओं में जो मुख्य अप्सराएं हैं उनमें, विद्याधरियों में, नाग कन्याओं में, तथा गंधर्वीणाम तनुषु च, और ऐसे ही गंधर्वियां गंधर्वी जो महिलाएं हैं उनके तनुषु च, उनकी कोख में काम रूप बला पेता यथा काम विचारेणा, तो स्वेच्छा से काम रूप बला पेता, काम रूप माने यथा इच्छा से जो विचरण करती हैं, यथा काम विचारेणा जैसे चाहती हैं, ऐसे ऐसे उन महिलाओं के गर्भ से उनको उत्पन्न किया। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च, ये कैसे हैं सिंह शार्दुल सदृशा, सिंह राज के समान माने श्रेष्ठ सिंह के समान। दर्पेण च बलेन च, सिंह चलता है तो पीछे नहीं देखता है ना,
कभी कभार मुश्किल से भले ही पीछे देख लेते, एक बार चला तो पीछे देखता नहीं है, क्यों? कॉन्फिडेंस इतना होता है उसको, आत्मविश्वास। तो बड़ी गर्वीली चाल होती है शेर की। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो आगे पीछे नहीं देख, मतलब इधर उधर नहीं देखते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ ही देखते हैं। तो ऐसे ही थे ये लोग भी। सिंह शार्दुल सदृशा, मतलब देखो बल पराक्रम बढ़ाने का आप कहीं भी प्रमाण देख सकते हैं, मनुष्यों में देख सकते हैं, पशुओं में देख सकते हैं, गांव शहर में देख सकते हैं, जंगल में देख सकते हैं। अब जंगल में हाथी जैसे भी तो प्राणी हैं, लेकिन तो भी उसको जंगल का राजा नहीं कहा जाता है। यद्यपि हाथी की भी चाल मस्ती वाली ही होती है, लेकिन वो कभी चल के वापस भी आ जाता है। शेर कभी इधर गया तो उसी रास्ते के ऊपर शिकार करेगा, फिर वो वापस मुड़ के नहीं देखता है। तो जो दूसरे प्राणी हैं वो देखते हैं कि कहीं शेर तो नहीं आ रहा है, तो उसको देख के वो भाग खड़े होते हैं। और शेर कभी भाग के खड़ा नहीं होगा किसी को देख के। तो जो वास्तव में ही सिंह पुरुष है वो मुसीबतों को देख के भाग खड़ा नहीं होगा, मुसीबतें भागेंगी उसको देख के, भाई इसके सामने नहीं जाना। महाराज जी रोज आना, मतलब वो एक चैलेंज देते रहते हैं ना, शनि राहु केतु कुछ है तो मेरा बिगाड़ के दिखाओ। तो शनि राहु केतु भी डरते होंगे बेचारे, वो इसके पल्ले नहीं पड़ना, अनाड़ी आदमी है, कहीं और चलते हैं जो हमारे से डरे, इसके पास जाके क्या करें जो डरता नहीं है। तो आसुरी शक्तियां किसके पास आती हैं? जो डरता है, जिसको डर होता है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि वो दूर से ही कांपे। आदमी का आत्मविश्वास इतना कि मेरे पास आ ही नहीं सकता है, कैसे आ सकता है मेरे पास, तो फिर नहीं आएगा। और थोड़ा भी व्यक्ति कमजोर होता है ना, कैंसर ज्यादातर उन लोगों को, कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए, कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए। तो बार बार ऐसे सुनाओगे तो हो ही जाएगा फिर एक दिन, तो कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए संसार में, कहीं मेरे साथ विश्वासघात ना हो जाए, हो ही जाएगा फिर। तो ऐसे सोचना ही क्यों, सोच क्यों हो जाएगा? और हो जाएगा तो जो करेगा वो रोएगा, मैं क्यों रोऊंगा? गलत वो कर रहा है ना, किसी ने मेरे साथ मानो धोखा कर भी दिया, माना तो वो पछताएगा, मैंने तो नहीं किया ना, तो मैं तो निश्चिंत रहूं, मैंने किसी का विश्वास घात नहीं किया ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? तो ऐसे शेर के समान, तो तभी तो ये रावण को मार पाएंगे। और अगर ये भी ऐसे थोड़ा भयभीत से होने वाले होते तब कैसे रावण को मार पाएंगे? रावण कहाँ है, कहाँ है रावण? अभी तो सोचा हुआ है ना, वहां लंका में समुद्र के पार, इस लंका में भी है, तो इस वाली लंका वाले से कैसे निपटेंगे? बलवान बनेंगे। तो व्यक्ति को कैसे बनना है? बलवान। बलवान बन के ही रावण का नाश कर सकता है। रावण मतलब बुराइयां, बुराइयां हैं हमारे अंदर। तो ये पैदाइश ही ऐसे बलवान हुए। शिंग शार्दुल सदृश, शार्दुल सदृशा दर्पेण च बलेन च। दर्प मतलब एक आत्मविश्वास, वैसे तो दर्प तो घमंड होता है, पर यहाँ पर एक आत्मविश्वास के रूप में कहा गया है, बल में भी और आत्मविश्वास में भी। शिला प्रहरणा सर्वे, और सारे कैसे पैदा हुए? शिलाओं से प्रहार करने वाले, पत्थर उठाने वाले नहीं बने, सीधी पहाड़ों की शिला उठा उठा के मारने वाले। शिला प्रहरणा सर्वे, सर्वे पर्वत योधिनः, पर्वत उठा उठा के लड़ते थे। तो हनुमान जी एक पर्वत उठा के ले गए तो कौन सी बात है, वो तो बचपन से मतलब खेलते ही उससे ही थे, शिलाएं उठा उठा के। शिला प्रहरणा सर्वे, सर्वे पर्वत योधिनः, नख दंष्ट्रा युधा सर्वे, और नखों से और दाढ़ से भी युद्ध कर लेते थे। आप मत करना, उस ऐसे भी थे, नाखूनों से भी प्रहार करते थे, दांत से भी काट लेते थे, बच्चे काटते हैं ना, हाँ, लेकिन आप बड़े हो गए, आप मत काटना। यहाँ एक बार कर दिया था एक ने काम, दांत से काट लिया, उसकी उंगली में खून बह गया, तो
तो ऐसे करना नहीं, तो ये ऐसे करते थे लेकिन, क्योंकि इनको तो रावण को मारना था, आपको तो अपने वाले को मारना है, तो उसके लिए नाखून चलाने की जरूरत नहीं है, माइंड चलाने की जरूरत है। नख दंष्ट्रा युधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविता, नख से भी नाखूनों से भी युद्ध कर सकते थे सभी, और दांतों से भी कर सकते थे युद्ध, और सर्व अस्त्र कोविदा सर्वे, और सभी अस्त्र शस्त्रों में भी सब निपुण थे, अस्त्र शस्त्र चलाने में भी, तो किसी भी तरह से मतलब वश में नहीं आएंगे। जब हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा तो वो भी चलाना आता है, अब पता है व्यक्ति के पास बंदूक तो है पर चलानी नहीं आती, तो क्या फायदा उसका, तो उसमें भी जानकार है। और कभी ऐसी परिस्थिति है कि अस्त्र शस्त्र है ही नहीं हाथ में, तो नाखून तो हमेशा है ना अपने साथ, और दांत तो हमेशा है ना, तो आजकल वो सिखाते हैं बॉक्सिंग, तो कैसे भी ये मतलब बिल्कुल तैयार हैं युद्ध के लिए। नख दंष्टा युधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदा, विचालयेयु शैलेन्द्रान, भेदयेयु स्थिरान द्रोमान। बताओ, तो हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ दिए तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो इनकी पैदाइश यही है। विचालयेयु शैलेन्द्रान, पर्वतों को, बड़े बड़े पर्वतों को भी हिला डालने वाले, विचलित कर देने वाले थे ये, विचालयेयु, और भेदयेयु स्थिरान द्रोमान, जो स्थिर पेड़ हैं उनको भी भेदयेयु उखाड़ देने वाले, तो पेड़ों को ही पकड़ पकड़ के निकाल देते थे। भेदयेयु स्थिरान द्रोमान, क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरिताम पतिम, सरिताओं का, नदियों का स्वामी जो समुद्र है उसको भी वेगेन क्षोभयेयु, अपने वेग से उसको भी क्षोभित कर देने वाले, माने एक अतिशयोक्ति में अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, वो तो ऐसा व्यक्ति है पहाड़ को भी हिला दे, इसका मतलब अत्यंत बलवान। तो ये अगर क्षोभ से युक्त हो जाएं, गुस्से से युक्त हो जाएं, तो समुद्र को भी हिला दें, ऐसे थे ये वेग में, मतलब समुद्र का वेग, लहरें उठती हैं ना ज्वार भाटा, तो कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, 50-50, 100-100 फीट लहरी ऊंची लहरें उठती हैं, तो उसको भी ये हिला दें, ऐसा वेग इनमें था। दारयेयु क्षितिम पदभ्याम, पैरों से क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को भी विदीर्ण कर दें पैर से, तो अंगद ने पैर जमाया था ना रावण के वहां जाके, और बोलो उठा के दिखाओ अब कोई भी, तो ऐसे थे ये, इतना बल था इनमें। अब समस्या ये है ना कि अब हमारे पास उतना बल रहा नहीं, तो ऐसे ही जैसे भीम आदि के बारे में भी बताते हैं, तो हमें लगता है कि ये कहीं कल्पना तो नहीं है, जो हाथी को भी उठा के फेंक दे, भीम के बारे में ऐसे आता है, तो इसका हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप को तो बहुत दिन नहीं हुए ना गए, वो तो कोई मतलब ऐसी बहुत पुरानी घटना नहीं है ना, तो वहां जाकर के उनके कपड़े देख लो भाई, वो तो उन्हीं के पहने हुए है ना, तो जब व्यक्ति का डील डोल इतना होगा तभी तो इतने बड़े कपड़े पहनेगा, और वो अपने कमर पे जो रखते थे उस कवच का वजन तोल लो, जो उनके हाथ में तलवार थी उसका तोल लो, तो जब इस समय तक आते आते व्यक्ति का डील डोल पराक्रम इतना रह सकता है, तो अर्जुन भीम का रहा होगा, इसको विश्वास करने में ज्यादा शंका नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं रहा होगा, नहीं तो मुझे ऐसे लगता है तो जैसे कल्पना सी हो, तो कहीं कहीं तो की जाती है अतिशयोक्ति, लेकिन कोरी अतिशयोक्ति नहीं है, केवल काल्पनिक नहीं है, था ही इतना बल। तो ये कैसे थे, पदभ्याम क्षितिम दारयेयु, पैर से धरती को फोड़ दें, उसमें छेद निकाल दें, ऐसे ऐसे मैंने सुना भी, हमारे बुजुर्ग थे तो वो कहते थे कि मतलब वो बुजुर्ग हो गए थे, पर हम उनसे पूछते कि उनका डील डोल अच्छा था, कि आप तो दादाजी जब आप युवा थे तो बहुत शक्तिशाली होंगे, बोले हाँ तब तो इतनी शक्ति थी कि अगर धरती में एडी मारे तो पानी आ जाएगा, ऐसे बोलते थे, तो मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था,
तो ये ऐसे थे, ये कह रहे हैं पदभ्याम क्षितिम दारयेयु आप्लवेयु महाअर्णवान, और ये महासागर को भी आप्लावित कर सकते थे, लांग सकते थे, ऐसे थे ये। नभस्तलम विषेयुश्च गृणीयुरपि तोयदान गृणीयुरपि मातंगान मत्तान प्रवर्जतो वने। तो इसको एक दो को पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया ना। नभस्तलम विषेयुः, आकाश के अंदर भी प्रवेश कर जाएं, विषेयुः घुस जाएं। नभस्तलम विषेयु और गृहणीयुरपि तोयदान, तोयत तोयद माने तोय माने जल और उसको धारण करने वाला बादल। तो तोयदान अपि गृहणीयु, बादलों को भी ग्रहण कर लें, जो हाथों से पकड़ लें। और गृहणीयुरपि मातंगान, और मातंग को भी, मातंग को होता है मत वाला हाथी, मातंगान मत्तान मदमस्त हाथियों को भी जो हाथ से पकड़ लें, क्योंकि उसके पास जाना बड़ा खतरनाक होता है। जब मद से युक्त होता है ना, तो वो अगर कोई व्यक्ति पास जाएगा तो उसको सूंड से पकड़ के पैर के नीचे घिस देगा हाथी, मार देगा तुरंत, उसको होश नहीं होता उस समय। और वैसे तो वैसे आप उसको तंग करोगे तो वो आपको मारेगा, और नहीं तो नहीं मारेगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये उनको भी ग्रहण करने माने उसको भी उठा के फेंक दें, ऐसे थे ये। गृहणीयुरपि मातंगान मत्तान प्रव्रजतो वने, वन में विचरण करते थे ना, तो वन में जाते जाते कोई हाथी आ गया, तो अब हाथी इसको नहीं फेंकेगा, ये हाथी को पकड़ के फेंक देगा, इतने तभी वन में टिकेंगे, नहीं तो वन के प्राणी तो मार डालेंगे। तो और इनका कितना बल पराक्रम था ये कल पढ़ेंगे, आज यही विराम देते हैं पाठ। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुखकर, सुजन रंजन रूप सुखकर, राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का
गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।